पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफा देने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी इस मामले में लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। इसको लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, महामंत्री व नटवर ताम्रकर्त ने सरकार पर निशाना साधा। उषा टावरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट है, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, जन घोषणा पत्र के अनुकूल काम करने में यह सरकार विफल रही है। प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने सरकार को अपने विभाग का त्याग पत्र देकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जो आरोप भाजपा लगाती रही है कि 8 लाख परिवार पीएम आवास से वंचित हुए हैं, वे आरोप सही हैं। सरकार ने मंत्री से ऊपर मुख्य सचिव की कमेटी बनाकर मंत्री के कानूनों का हनन किया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने पत्रकार वार्ता में कुछ और भी जानकारियां कुछ इस प्रकार से दी। प्रदेश के दूसरे नंबर के मंत्री माने जाने वाले और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार पंचायत पद से पंचायत मंत्री से उन्होंने इस्तीफा सौंपा, ये इसको लेके और इस इस्तीफे से उनकी प्रदेश कांग्रेस की अंतर तरह अंतर के सामने उजागर हो रही है और इसमें कैबिनेट में मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल जी का भरोसा उन्होंने खो दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों ने इन्हीं बातों को लेकर बहुत बार धरना प्रदर्शन सब किए, तब उनके तरफ से कहा जाता था कि ये तो विरोध है और ये बेकार का आरोप हमारे पे लगा रहे हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि हम बेकार के आरोप नहीं लगा रहे थे। और पंचायत जो कि उन्होंने बोला कि सीधे देखने जो प्रतिनिधि हैं उनके जो अधिकार हैं उनको लागू किया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा लेकिन उनके मुख्यमंत्री के कार्यों में छूट नहीं देते, जबकि यह संविधान के लिए सबसे अच्छा एक सर्वोच्च नियम है और जो जनता के हित के लिए सर्वोच्च नियम है कि जो पंचायत तक जाए तो आखिरी अंत्योदय तक सब व्यवस्था पहुंचती है सरकार की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो 8 लाख प्रवास प्रधानमंत्री आवास नहीं बने जिससे करीब 40 लाख लोगों के घर से सीख से छत चढ़ गई और मनरेगा का जो इन लोगों ने धरना दिया था वो साजिश था, ये सब उनके मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा। और जो हमेशा ऐसा होता है कि चुनाव जीत के जो प्रतिनिधि आते हैं उनसे ऊपर मुख्यमंत्री ने नौकर शाह को सचिव को बैठाया और उनका माना, इन सब बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं।